सॉल्यूशन टू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जो मैनेजमेंट ऑडिटर है उसको एक ट्रस्ट और फ्रेंडलीनेस का जो एटमॉस्फेयर है उसे क्रिएट करना चाहिए। अब वो किस तरीके से क्रिएट कर सकता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। उसे जो लाइन पीपल हैं मैनेजमेंट ऑडिटर को, लाइन पीपल को बताना चाहिए कि मैनेजमेंट जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल ने हमें रिव्यू फॉर प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट करने के लिए बोला है, ठीक है। और ये जो ऑडिट जो हम कर रहे हैं ये इसी रिव्यू फॉर प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट के प्रोग्राम का एक पार्ट है। और ये जो रिव्यू फॉर प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट है, इसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करना है इन ऑल द फिजिबल मैनेजरल डायमेंशन। ये बात उसको लाइन पीपल को जो समझा देनी चाहिए, ताकि लाइन पीपल को ये ना लगे कि ये हमारी बुराई करने के लिए आया है, ये हमें चेंज करने के लिए आया है। तो इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। और हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए कि ऑपरेटिंग पर्सनल के रेगुलर इन्फॉर्मेशन में मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट को फॉर्मल रिलीज करने से पहले रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को फाइंडिंग रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि वो रिव्यू पढ़ के ये तो बता सके कि हाँ भाई आपने ये चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी है, ये चीज़ आपने गलत की, इस चीज़ के बारे में आपने हमसे पूछा नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए ना। इस तरीके से